हेलो एंड वेलकम टू टीवी का पटाखा। दोस्तों, टेलीविजन इंडस्ट्री की ग्लैमरस एंड मोस्ट डेडिकेटेड एक्ट्रेस अलीबाबा दास्ताने काबुल की लीड एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा के आखिरी प्रोजेक्ट को लेकर डिटेल सामने आ चुकी हैं। जी हाँ, तुनिशा ने 24 दिसंबर को इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था, लेकिन जाते जाते दास्ताने काबुल की एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने एक वेब सीरीज को भी साइन किया था। जी हाँ दोस्तों, अलीबाबा दास्ताने काबुल की लीड एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने अपनी पहली वेब सीरीज की। दोस्तों, इस वेब सीरीज का नाम अदियल है। जी हाँ, ये वेब सीरीज अभी तक रिलीज नहीं हुई है। अगर इस वेब सीरीज में नजर आने वाले लीड एक्टर की बात करें तो उनका नाम है सलीम दीवान। जी हाँ दोस्तों, सलीम दीवान ने इस बारे में जाना जब, यानी कि तुनिशा शर्मा की डेथ के बारे में जब जाना, तब उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट रिवील किया और कहा, मैं अभी तक शॉक में हूँ कि मैंने एक ऐसी होनहार को एक्टर के साथ काम किया था जो कि इंडस्ट्री में मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल और हाईली डेडिकेटेड थी। वो हमेशा शो में आती थी, सेट पर जब भी पहुंचती थी, उसके आगे कोई भी इंसान कुछ नहीं कह सकता था। वो बहुत ही ज़्यादा फनी थी, अच्छी थी, लेकिन एक बात नोटिस करने वाली थी, वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट थी अपने काम को लेकर, बहुत डेडिकेटेड और प्रोफेशनल थी। आई कैन नॉट बिलीव कि इतनी बड़ी कलाकारा इंडस्ट्री की अचानक से सबको छोड़कर चली गई। दोस्तों, सलीम दीवान के स्टेटमेंट से साफ होता है कि तुनिशा को अपना काम कितना ज़्यादा प्यारा था। तुनिशा के लिए अपना कैरियर सब कुछ था। तुनिशा ने अपने लास्ट दिन तक शूटिंग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया और अचानक से जब वो ये दुनिया छोड़कर गई तो खुद उनकी वेब सीरीज में उनके साथ नजर आने वाले एक्टर सलीम दीवान भी शॉक में आ गए। क्या कहेंगे आप? वेल दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें कि उनकी वेब सीरीज बहुत जल्द OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होने वाली है और रिलीज के दौरान एक स्पेशल कॉम्प्लीमेंट्री थैंक्स कहा जाएगा तुनिशा शर्मा को। आप क्या कहेंगे? हमें अपने व्यूज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।